ओम शांति। मुरली का तारीख है 12/10/2020। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने वा राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं बच्चे, तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? ओम शांति। मीठे मीठे नंबर वार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है, अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अब तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो, जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है? यहाँ भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके, तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। या भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शुबाबा के बच्चे हैं, बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत तोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, अब कम तो नहीं होगी, लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम तोड़े ही होते हैं, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। यहाँ भी तुम जानते हो तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो, वहां तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितना माइल ऊपर में जाते हो, तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो? वहां तो स्थूल वस्तु है जिनकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएगी जहां सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है वह हमारा घर है, हम वहां के रहने वाले मनुष्य। भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाए, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाए। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके, ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्तिधाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके,
जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है, यह केल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शुबाबा, उनको तो चरण है नहीं। वहां कहते हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजाऊंगा। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे तोड़े ही पूजाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं, कहते हैं बच्चे अब चीची मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार काए, नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी है, एक माया के मुरीद, एक ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले, विपरीत बुद्धि तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम तोड़े ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, मामेकम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रदान से तमो प्रदान बना दिया है, अब फिर सतो प्रदान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है, यहाँ है ही हार और जीत, सुख दुख का केल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर वर्त पौंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक शुबाबा की जयंती ही वर्त पौंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी ज्योत जग जाती है, मेन पावर से ज्योति जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे कौन कहेंगे। रूहानी बाप ही कहते हैं हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए, वापिस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो। बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं है, या बेहद का ड्रामा है, या भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है।
बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेख है कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परिया बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परिजादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं या तो जैसे परी बन गई हो, अभी तुम भी रत्न बनते हो। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके। उड़ने वाली है ही आत्मा, आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी है, जब सब आत्माएं जाएगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो। हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है, वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी है छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, आत्मा कितनी छोटी है उनमें 84 का चक्र नूंदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको या बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। वंडर है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। वहां होता है हद का नाटक, यहाँ है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वहां विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसको कैसे समझाए, कितना तुम एक एक से माता मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है या तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं। पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया। कड़े कड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुदा ही खुद होगा ना, और कोई कैसे दिखलाएंगे। तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहां रहते नहीं, खुदा तो शांतिधाम में रहते हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितना अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहां दुख की बात नहीं होती। बाप कहते हैं सुखधाम शांतिधाम को याद करो, घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माता मारती है, जब तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती है, बीच में जा कैसे सकती, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं काना है, मूल है देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट
टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट बाप कहते हैं। मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है, जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो चुराते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य, डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो, अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है हम यहाँ, किसी के लाख लेकर क्या करेंगे। गरीबों को राजाई मिलनी है बाप, गरीब निवास है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो, जो साहूकार है वह इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाए कितनी आती है, उन पर अत्याचार होते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो, बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है, या ट्रांसलेट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मुआफिक बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कैसे सर्विस को अमल में लाए, टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है, माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर, देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, अंदर में खुशी रहेगी, हम अभी शांति धाम सुखधाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन, हमको घर ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन, हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी बवा, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। ज्ञान के वृक्ष की यह तीन स्मृतियां है। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर दो पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति बव का वह संपूर्ण विजयी बव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।